एक मैरिड लेडी अपने गर्ल फ्रेंड के पास आने के बाद अपने मैरिज को सुधारने की कोशिश करती है, पर उसे क्या पता था कि उसका एक ओल्ड फ्रेंड ये बहुत ही ऑब्सेसिव और साइको है। वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फेटल अफेयर ये 2020 की एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कपल को देख सकते हैं। अचानक से उन पर किसी ने वार कर उन्हें मार दिया। इसके बाद हमें हमारी मेन कैरेक्टर दिखाई जाती है। इसका नाम है एली। एली के हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद वो सिटी से एक बहुत ही अच्छे से टाउन में मूव हुए हैं। पहले इनकी मैरिज में प्रॉब्लम थी, पर आजकल इस पर वो वर्क कर रहे हैं। वैसे भी उनकी बेटी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, तो इस वजह से न्यू टाउन में मूव करने की परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। एली को इस टाउन में जरा अलग लगता है, अपनी बेटी को भी वो मिस कर रही थी। उसके हस्बैंड ने कहा कि वो पास ही है, जल्दी से यहाँ पर पहुंच जाएगी, ज्यादा वरी मत करो। इस न्यू टाउन में मूव होने से पहले एली को अपना जॉब थोड़े दिन करना पड़ेगा, तो इसी मीटिंग पर वो गई हुई थी। वहां पर वो डेविड को देखती है। डेविड एक्चुअल में उसका कॉलेज का फ्रेंड था। इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर ये दोनों बहुत ही सरप्राइज थे। ये 20 ईयर्स बाद मिले हैं। डेविड कहता है ऐसा लगता है सिर्फ 20 मिनट्स हुए हैं। उसे एली तब जैसे दिखती थी वैसी आज भी दिखती है, उतनी ही ब्यूटीफुल। ये बात उसने उसे बता भी दी। वो उसे कहता है हम दोनों को मिलना चाहिए, जरा कैचअप करना चाहिए। एली उसे हाँ कहती है। बाद में और एक मीटिंग के लिए ये दोनों फिर से मिले। आज डेविड एली से फिर से पूछता है कि क्या हम कहीं चल सकते हैं। उसे बात करनी थी, पर एली के प्लान्स थे अपने फ्रेंड के साथ वो नाइट आउट के लिए जाने वाली थी। एली को आइडिया आया कि डेविड भी उनके साथ चल सकता है, उसके फ्रेंड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डेविड भी थोड़ा सा अनश्योर था, पर इसके लिए मान गया। इसके बाद रात में वो बार में मिले, पर एली की फ्रेंड वहां पर पहुंची नहीं थी, तो एली और डेविड ये दोनों अकेले ही थे। आज ये बहुत सारे वाइन पीते हैं। एक दूसरे को उन्होंने फैमिली के बारे में पूछा। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड का डिवोर्स हो चुका है। डेविड ने एली से पूछा क्या तुम्हारी फैमिली भी परफेक्ट है। एली कहती है 20 साल आप किसी के साथ रहते हो, पर एक दिन लगता है कि वो आपके लिए स्ट्रेंजर है। यही बात एली को अपने हस्बैंड के बारे में आजकल लग रही थी। इसके बाद डेविड ने एली से कहा कि चलो हम डांस करते हैं। ये बार के पास आए। डेविड ने कन्फेस किया कि तुम्हारे फर्म में जॉब लेने से पहले मुझे पता था कि वहां पर तुम काम करते हो। मैंने सोचा इतने सालों बाद तुमसे मिलना अच्छा होगा, तो इस वजह से मैंने जॉब ले लिया। अगर 20 साल पहले तुमने मुझसे शादी की होती तो मैं स्ट्रेंजर की तरह नहीं लगता। इसके बाद इन दोनों ने डांस किया और बाथरूम में जाकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये इंटीमेट होने वाले थे, तभी एली रियलाइज करती है कि ये सब बहुत ही गलत है। उसे झटक कर वहां से चली गई। उसे सॉरी कहती है। डेविड ने कहा कि कोई तुम्हें अप्रिशिएट कर पाए, ऐसे आदमी को तुम डिजर्व करती हो, पर एली वहां से चली गई। वो घर आकर सारी चीजों के बारे में सोचती है। अपनी फैमिली उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। हस्बैंड और उसमें प्रॉब्लम्स थे, पर फिर भी उससे बहुत प्यार करता था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम डेविड को अपने थेरेपिस्ट के साथ देख सकते हैं। डेविड को बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज है, इस वजह से वो थेरेपी में था। अपने डिवोर्स को लेकर भी वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। आज एली से मिलने के लिए उसकी बेटी भी आ गई। ये सब लोग बहुत ही खुश थे। एक दिन काम पर जाते हुए एली फिर से डेविड से मिली। डेविड आकर उसे कहता है कि आई एम सॉरी, जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। क्या तुम मुझसे नाराज हो, मेरे कॉल भी तुमने नहीं उठाए। एली कहती कि ऐसा नहीं है। डेविड फिर से उसके साथ कुछ कॉफी वगैरह लेना चाहता था, पर एली ने कहा हमें ये सब यही स्टॉप कर देना चाहिए। वो फिर से उससे कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं रखना चाहती। इस बात से डेविड को बहुत ही हर्ट लगा। वो रात में एली को कॉल करने की कोशिश करता है, पर एली ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। डिनर बनाते बनाते एली को एक चोट आ गई थी। उसके हस्बैंड ने उसका ख्याल रखा और रात में दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों पर डेविड नजर रख रहा था। अगले दिन एली का हस्बैंड मार्कस ये उसके न्यू ऑफिस में उसके लिए फूल भी लेकर आया हुआ था। आज एली और मार्कस के पास एली की कोवर्कर डिनर के लिए आने वाली थी। उसने अपने साथ डेट लाई, पर ये डेविड था। एली इस बात से बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है। मार्कस ने डेविड से बात की, उसके प्रोफेशन के बारे में पूछा। डेविड एक्चुअल में एक हैकर था जो कंट्री के किसी भी हाई सिक्योरिटी ईमेल को भी क्रैक कर सकता है। मार्कस डेविड से पूछता है तुम एली की कोवर्कर से कैसे मिले। एली की कोवर्कर जिसका नाम था कोर्टनी, उसने कहा कि हम दोनों लिफ्ट में मिले थे। डेविड बहुत ही कॉन्फिडेंट था और मैं उससे अट्रैक्टेड हो गई। कोर्टनी को डेविड के लिए बुरा लगता है क्योंकि अभी अभी उसका डिवोर्स हुआ है। मार्कस ने पूछा कि तुम्हारा डिवोर्स क्यों हुआ। डेविड कहता है कभी कभी आपको लगता है कि बहुत सारे सालों बाद भी आप जिस आदमी के साथ रह रहे हो वो कम्प्लीटली स्ट्रेंजर है। एक्चुअल में एली का डायलॉग था। जब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था तो डेविड को किचन में लेकर जाती है। कहती है अभी क्या अभी कुछ बहाना बनाओ और यहाँ से निकल जाओ।
डेविड कहता है, हम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है, हम मिलकर ये वर्क कर सकते हैं। एली बहुत ही गुस्सा थी, उसे निकल जाने के लिए कहती है। अगले दिन डेविड ने एली को एक बहुत ही एक्सपेंसिव रिकॉर्ड गिफ्ट किया, उसमें सॉरी का नोट लिखा था। एली ने फिर उसे कॉल किया और एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया। डेविड एली से कहता है कि हमारे बीच में जो भी होगा ये हम सब कुछ सीक्रेट रख सकते हैं। एली कहती कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं होगा। डेविड फिर उसे ब्लैकमेल करने लग गया कि तुम्हारे हस्बैंड को अगर पता चला तो क्या होगा। उसे स्ट्रिक्टली ना बोलकर यहाँ से वो चली गई। अगले दिन कोर्टनी गुस्से में एली के पास आई, कहती है तुमने डेविड को इस तरीके से डिनर से निकाल कैसे दिया? तुम्हारा हस्बैंड है, अच्छी फैमिली है, फिर भी तुम डेविड के साथ अफेयर क्यों करना चाहती हो? एक्चुअल में डेविड ने कोर्टनी को सारी बातें अलग बताई थी। वैकर है, इस वजह से डेविड ने एली को जो मैसेज भेजे थे वो एली ने उसे भेजे, इस तरीके से वो कोर्टनी को दिखाता है। कोर्टनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। एली उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, पर फिर भी वो मानती नहीं, हर्ट होकर वहां से चली गई। एली ने फिर डेविड के बारे में रिसर्च किया। डेविड की थेरेपिस्ट एली के भी फ्रेंड थी, वो जाकर उसे बात करती है। उसने एली को बताया 20 साल पहले डेविड तुम्हारा दीवाना था, तुमने कभी भी उसे नोटिस ही नहीं किया। उसे बताती है कि डेविड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स के बाद वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। एली पूछती है कि उसकी वाइफ कहाँ है। थेरेपिस्ट ने कहा कि उसकी डेथ हो चुकी है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी तभी उसका किसी ने मर्डर कर दिया। एली को अब लगता है कि डेविड ने उसका मर्डर किया होगा, वो बहुत ज्यादा डर के। डेविड ने एली को जब वो दोनों डांस कर रहे थे इसका वीडियो भेजा। वो उसे कॉल करती है तो कहता है अगर तुम्हारे हस्बैंड ने वीडियो देख लिया तो क्या समझेगा। एली ने कहा कि तुमने अपनी एक्स वाइफ को मार दिया था, अगर कोर्टनी को ये पता चलता है तो क्या होगा। डेविड कहता है हम दोनों की रिलेशनशिप को मैं इस तरीके से गिव अप नहीं कर सकता। एली ने फिर कोर्टनी को ईमेल किया, इसमें डेविड की वाइफ के मर्डर के बारे में लिखा हुआ था। कोर्टनी को ईमेल मिल ना पाए इस वजह से डेविड उसके घर पर पहुंच गया, उसे एक लॉन्जरी गिफ्ट की और जब वो पहनने के लिए गई तब उसने ईमेल डिलीट कर दिया। आज रात दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, इस वजह से कोर्टनी एली का फोन उठा नहीं पाई। एली कोर्टनी के घर के बाहर ही थी जब डेविड निकला तो उसका वो पीछा कर दिया। पीछा करते करते वो गोल्फ कोर्ट पहुंची। यहाँ पर आज डेविड मार्कस के साथ गोल्फ खेल रहा था, वो देखकर बहुत ही डर गई। डेविड मार्कस से कहता है कि तुम्हारी वाइफ को पाने के लिए बहुत सारे लोग मर्डर भी कर सकते हैं। मार्कस ने कहा कि मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ, मेरा एक्सीडेंट होने के बाद एली ने मेरा बहुत ख्याल रखा। पहले हमारे मैरिज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, हमने थेरेपी की और इस एक्सीडेंट के बाद हम बहुत ही करीब आ गए। डेविड मार्कस को आज कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद पीछा करते करते एली डेविड जहाँ पर रहता है वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से उसने कहा कि आज सुबह शायद तुमने मुझे देखा होगा, मैं डेविड के साथ थी, उसके घर में मेरा कुछ रह चुका है, क्या तुम मुझे घर की चाबी दे सकती हो? रिसेप्शनिस्ट ने उसे चाबी दे दी। घर में जाने के बाद उसने सारी चीजें चेक की। उसके लैपटॉप में अलग अलग फोल्डर्स वो देखती है जिसमें अपनी एक्स वाइफ के सारे फोटोज उसमें थे। एली के भी अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होते हुए सारे फोटोज भी इसमें थे। ये बात देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, पर तभी डेविड वहां पर पहुंच गया। एली जल्दी से यहीं पर नीचे छुप गई। डेविड शायद उसे ढूंढ लेता पर उसे कोर्टनी का कॉल आ जाता है, उसके पास चला गया। एली ने इंस्टेंटली फिर कोर्टनी को कॉल लगाया, कहा कि तुम्हें जो डेविड लगता है वैसा वो है नहीं, उसने अपनी वाइफ को मारा है। मैं उसके अपार्टमेंट पर गई थी, वहां मुझे कुछ फोटोज मिले जो मैं तुम्हें सेंड करती हूँ, प्लीज उन्हें देख लेना। कोर्टनी ये देखती पर उसके पहले ही डेविड वहां पर पहुंच गया था। वो इसे चेक करती है पर डेविड ने देख लिया। वो कुछ कर पाती इससे पहले डेविड उसे मारने लग जाता है। डेविड वहां से चला गया पर एली कोर्टनी से मिलने के लिए गई। उसे हर्ट पाकर पुलिस को कॉल कर देती है। उसने पुलिस को डेविड के बारे में सब कुछ बता दिया। पुलिस डेविड को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर उसके अपार्टमेंट में वो नहीं था। मार्कस भी थोड़ी देर में यहाँ पहुंच गया। घर चलने पर एली उसे सब कुछ बता देती है। एली ने उसे समझा कि वो सिर्फ एक मोमेंट था, उसका कोई भी मीनिंग नहीं है, मैं तुमसे ही हमारी फैमिली से बहुत ही प्यार करती हूँ, मैं कभी भी इसे छोड़ना नहीं चाहती। मार्कस भी ये सारी बात समझ लेता है, उसने एली को माफ कर दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड ने एक बेगर को पकड़ा, अपने कपड़े उसे पहना दिए और डायरेक्टली अपनी कार को आग लगा दी। पुलिस को लगता है ये शायद ही डेविड था। डेविड ने अपनी थेरेपिस्ट को भी मैसेज किया था जिसमें उसने कन्फेस किया कि अपनी एक्स वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को उसने ही मारा था। पुलिस को अब लगता है कि डेविड ने सुसाइड कर ली, पर अभी भी जो डेड बॉडी मिली है ये डेविड है या नहीं ये कन्फर्म नहीं हुआ। डिटेक्टिव ने एली के पास आकर ये सारी बात उसे बता दी। एली भी अब जरा रिलैक्स थी कि इस सारी चीजों से अब वो छूट चुकी है। एली को अपने ऑफिस से मैसेज आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स पर उसके साइन की जरूरत थी।
वहां पर पहुंचने पर उसकी सेक्रेटरी का मर्डर हो चुका था। अपनी फैमिली को तुम अकेला ही छोड़कर आई। एली बहुत ही ज्यादा डर गई। वो डिटेक्टिव को कॉल करती है, कहती है जल्दी से मेरे घर पर कुछ पुलिस को भेजो। वहां पहुंचने पर डेविड उसे कहता है मुझे लगा था कि तुम्हारा हस्बैंड जरा फाइट करेगा, पर उसने कुछ भी फाइट नहीं किया। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम दोनों एक साथ है, हम मिलकर एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। एली भी उसके हाँ में हाँ मिलाती है, पर उस पर उसने चाकू से वार करने की कोशिश की। डेविड ने उससे चाकू छीन लिया, उसे जोर से मार दिया जिससे वो बेहोश हो गया। नीचे बेसमेंट में मार्कस और उसकी बेटी को डेविड ने बांध कर रखा था। बाहर पुलिस की गाड़ी भी आ चुकी थी। ये सब इसे देखने के लिए गए, तभी पुलिस ऑफिसर को डेविड ने ऑलरेडी मार दिया था। मार्कस जल्दी से अपनी बेटी को कार में बिठाकर वहां से आगे भेज देता है। एली पुलिस को कॉन्टेक्ट कर रही थी, तभी डेविड ने उस पर भी हमला कर दिया। डेविड एली को घसीटते घसीटते लेकर जा रहा था, तभी मार्कस ने उस पर हमला कर दिया। डेविड मार्कस को नीचे फेंक देता है, तभी एली ने उस पर चाकू से वार कर दिया। एली और मार्कस यहाँ से भाग रहे थे, पर डेविड के पास अब गन है। वो एली से कहता है कि मुझे कभी भी नहीं लगा था कि चीजें इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, प्लीज मेरे साथ चलो, हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। एली ने उसे मना किया और मार्कस उस पर हमला कर देता है। इन दिनों में बहुत फाइट हुई। ये माउंटेन की एज पर थे और डेविड वहां से नीचे गिरने लग गया। एली ने उसका हाथ पकड़ कर रखा था, उसे मरने देना नहीं चाहती थी। डेविड नोटिस करता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मार्कस एली को सपोर्ट कर रहा है। ये देखने के बाद उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। नीचे गिरकर उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद थोड़ा टाइम गुजर चुका है, हम देखते हैं कि एली की फैमिली ने इस इंसिडेंट से जरा रिकवर कर लिया है। इस टाउन में आना इन्हें मिस्टेक लगी थी, तो फिर से सिटी में वो चले जाते हैं जहाँ एली को अच्छा लगता है। ये सारी फैमिली बहुत खुश थे और इसी मोमेंट पर ये मूवी एंड हो जाती है। डेविड दिखने में तो बहुत ही नॉर्मल लगता था, पर एली को उसके बारे में पता नहीं था। एली ने अपना कंट्रोल एक मोमेंट के लिए लूज किया था, पर इसी वजह से डेविड ट्रिगर हो गया। उसने एली को पाने के लिए सारी लिमिट क्रॉस कर दी। फाइनली उसने मार्कस और एली को देखकर रियलाइज किया कि जो प्यार वो पाना चाहता है, ये प्यार एली और मार्कस के बीच में है और इसके बीच में वो नहीं आ सकता। इस वजह से उसने खुद हाथ छुड़ा लिया और सुसाइड कर ली। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारे मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।